दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीते तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा T20 मैच हारा भारत तो ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने उड़ाया मजाक। इस दौरान ट्रेविस हेड और मैक्सवेल को लेकर डेविड वार्नर से लेकर रिकी पोंटिंग ब्रेटली समेत इन सब ने जो कहा वो सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो दोस्तों आखिरकार क्या बोले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव में से कौन अच्छा कप्तान और बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला बरसापारा स्टेडियम पर खेला जा चुका है और दोस्तों इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीत भी हासिल की है। वहीं हम आपको बता दें कि भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए थे, जहां ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से 123 रन की शतकीय पारी देखने के लिए मिली और T20 क्रिकेट में उनका यह पहला शतक भी रहा। तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने 39 तो तिलक वर्मा ने 31 रन की पारी खेली, जिसके चलते भारत 222 रन बना पाने में कामयाब हो सका। हालांकि एक पल तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के हाथ से यह मुकाबला कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि 223 रन जैसा विशाल लक्ष्य अगर किसी टीम के पास हो तो वो गेंदबाजी से जरूर सामने वाली टीम को परास्त कर देगी। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने यह सभी आंकड़े झूठे साबित कर दिए, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने अंत तक टिककर 104 रन जड़कर मैच पूरी तरह से पलट दिया। इस दौरान ट्रेविस हेड के बल्ले से भी 35 रन निकले तो मैथ्यू वेड ने भी 28 रन की पारी खेली, लेकिन दोस्तों अंत में जाकर ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से यह मैच अपने नाम किया। हालांकि दोस्तों आप तो जानते हैं कि जब भारतीय टीम मैच हार जाए तो देश दुनिया भर के तमाम बड़े दिग्गज सामने निकल कर आ जाते हैं और इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारतीय टीम पर जहर उगलने वाला काम किया है। और इस बीच पहला बड़ा बयान निकल कर आता है डेविड वार्नर का, जिन्होंने कहा आखिरकार ट्रेविस हेड और मैक्सवेल ने मिलकर 2 T20 मैच में मिली हमें हार का बदला ले लिया और वर्ल्ड कप की हार तो भारत वैसे भी अभी भूला नहीं होगा, क्योंकि ट्रेविस हेड की वापसी के बाद ये सब डर गए और इन्होंने आज के मैच में वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा कि करना चाहिए था। भारत की बी टीम अच्छी टीम है मैं खुद मानता हूँ, लेकिन मैक्सवेल के आगे इतनी भी अच्छी नहीं है कि उसको हरा सके। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है ट्रेविस हेड का, जिन्होंने कहा वर्ल्ड कप तो हम बेईमानी करके जीत ही गए थे और अब T20 सीरीज भी बेईमानी करके ही तुम्हें हराएंगे। यह तो अभी ट्रेलर था जो कि तीसरे T20 मैच में हमने आपको दिखाया है। भारत आगे मैक्सवेल और मैं मिलकर आपको ऐसी हार हराएंगे कि आप T20 क्रिकेट कभी खेल ही नहीं पाएंगे। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है रिकी पोंटिंग का, जिन्होंने कहा मैं मानता हूँ कि हमारे खिलाड़ी भारत के खिलाड़ियों के कंपैरिजन में कमजोर है, लेकिन हराने का जज्बा तो हमारी टीम के अंदर है। ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल ने मिलकर ही भारत को ऐसी धूल चटाई है कि वो T20 में अब वापसी करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है स्टीव स्मिथ का, जिन्होंने कहा भारत की हार जब होती है तब हमें काफी खुशी होती है और ट्रेविस हेड ने शुरुआत अच्छी दिलाई तीसरे T20 में तो मैक्सवेल ने फिनिश अच्छा किया और यही तो एक टीम को चाहिए होता है और यह मुकाबला जीतकर हम खुश हैं और कोशिश करेंगे कि पूरी T20 सीरीज ही भारत से जीतें। तो दोस्तों अब आप क्या मानते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कह रहे हैं वो सही है या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।